हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम करनैल सिंह है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। अराउंड 30 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए दिल्ली में। इससे पहले हम नैनीताल ज़िला था, वहाँ रहते थे। उत्तम नगर हमारे गाँव का नाम था। तो बचपन से ही मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था। जब मेरी उम्र 13-14 साल की थी, आई वॉज इन 9th क्लास, तो जब भी कोई हमारे घर के आसपास से कोई ट्रैवलिंग के लिए जाता था तो मैं एकदम तैयार हो जाता था कि मुझे भी ले चलो साथ में। तो बचपन से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और 19 में दिल्ली आए। दिल्ली आके भी मेरी ट्रैवलिंग जारी रही कुछ रिलीजियस तौर पर। जैसे मेरे बचपन से ऐसे गुरबाणी कीर्तन ढोलक वगैरह का बचपन से शौक़ है। तो मैं जब भी मौका मिलता था, जैसे हिमाचल साइड या हेमकुंड साहिब हिमालय साइड, तो मैं यात्रा के लिए निकल जाता था संगत के साथ। उसके अलावा आसपास में राजस्थान वगैरह भी ट्रैवलिंग करता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि उस समय यूट्यूब के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यूट्यूब कोई चैनल है। और सन 2001 में मैंने मलेशिया थाईलैंड ट्रैवल करना शुरू किया। उस टाइम भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हाँ, पिछले अराउंड 2011 से मैं फेसबुक पर अपडेट करता हूँ कंटिन्यू। और फेसबुक पर मैंने जैसे चेन्नई की ट्रैवलिंग डाली है, कोलकाता की, मुंबई की, दिल्ली की, हिमाचल की, पंजाब आई ट्रैवल लॉट ऑफ टाइम्स। और उसके बाद जैसे थाईलैंड से मलेशिया बाय रोड जा रहे हैं वो सारा। उसके बाद जैसे मलेशिया से थाईलैंड बाय रोड, सिंगापुर और श्रीलंका। एक बार मैं मलेशिया एयरपोर्ट भी 4-5 दिन स्टक हो गया था वीज़ा प्रॉब्लम से। वहाँ अगर उस यूट्यूब चैनल होता तो उस समय मैं डाल देता, पर लेकिन उस समय मुझे आइडिया नहीं था यूट्यूब चैनल के बारे में। सो मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से बड़ी नॉलेज की बातें थी, तो जैसे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए एयरपोर्ट पर सारा। पर लेकिन अब मैंने थोड़े टाइम से यूट्यूब पर अपनी वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किए हैं और आप लोगों का प्यार चाहिए। ट्रैवल विद करनैल के नाम से फ़िलहाल मैंने शुरू किया है यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद करनैल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अभी भी मैं बहुत यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहा हूँ, उनको स्टडी कर रहा हूँ। और अभी मेरा प्लान है कि अब मैं पूरे तरीके से जहाँ भी ट्रैवलिंग करूँ, चाहे इंडिया में करूँ लोकल, चाहे इंडिया से बाहर इंटरनेशनल, चाहे बाय रोड इंटरनेशनल करूँ, चाहे चेकिंग से करूँ, मैं सारे अपडेट्स सबको बताऊँ। अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं गुड बैड्स मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आप भी जब ट्रैवलिंग के लिए निकलो तो आपको कोई परेशानी ना हो। और मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। और सबसे मेन बात बताऊँ, ट्रैवलिंग की वजह से ही हो सकता है मैंने बैचलर लाइफ का प्लान किया। आई एम 46-47 ईयर्स ओल्ड, आई एम स्टिल बैचलर। और अपने बजट के हिसाब से मैं ट्रैवलिंग करता रहता हूँ। और अब प्लान है मेरा थोड़ा सिचुएशन अच्छी हो जाए तो फिर बाय रोड जैसे यहाँ से ट्रैवलिंग करेंगे। बाय रोड जैसे मोरे टू म्यांमार, म्यांमार टू थाईलैंड, थाईलैंड से फिर चाइना, लोस, ऐसे प्लान है। बाकी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे अपडेट करता रहूँ। और ट्रैवलिंग करनी चाहिए। ट्रैवलिंग करने से क्या होता है कि तो आदमी का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। दूसरे लोगों को जो देखते हैं हमें ट्रैवल करते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है। कोई हमारे मन में कई प्रकार के डाउट होते हैं, वहम होते हैं, डर होते हैं और वो दूर होते हैं। जैसे अभी तक मेरे को ये नहीं पता था कि जैसे करतारपुर कॉरिडोर है, फिर लोगों के मन में होता है कि चलो हम पाकिस्तान जाएंगे ट्रैवलिंग करने तो वहाँ हमारे पास थोड़ा स्टैंप लग जाएगी तो कोई निगेटिव पॉइंट ना आ जाए। तो आपको मैं बता दूँ कि करतारपुर जो कॉरिडोर है वहाँ पर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ETA से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं लगती। आपके ETA फॉर्म के ऊपर स्टैंप लगती है। और जब आप पाकिस्तान एंटर करते हो करतारपुर साहब गुरुद्वारे के, वहाँ पर जो टिकट होती है ना $20 की, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाते हैं। पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं होती, बस उसको वेरीफाई के लिए स्कैन किया जाता है। तो आप लोग अपने मन से वहम निकाल दें कि ये करतारपुर कोर्ट के जाने पर प्रॉब्लम है। किसी प्रकार की गवर्नमेंट ने खुद हमें परमिशन दी है भारतीय नागरिक को कि आप करतारपुर गुरुद्वारे यात्रा कर सकते हो। मौका मिला है दो देशों को आपस में इकट्ठे होने का करतारपुर। मैं तो कहता हूँ ऐसे छोटे छोटे कॉरिडोर और बने जिससे दुनिया में प्यार सद्भावना और बड़े, विश्वास लोगों का और बढ़े। तो ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ट्रैवलिंग करनी चाहिए। ट्रैवलिंग करने से हमारे देश का नाम आगे होगा,
हमारे देश के लोगों का नाम आगे होगा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी, तो हमेशा ट्रैवलिंग करनी चाहिए। तो मैं अभी अब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी मेरे से हो सकता है मैं ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करूँ और आप लोगों को अपडेट करता रहूँ। थैंक यू।